हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाते हैं और तीखी हरी चटनी कैसे बनाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने ले ली है आधा कप इमली। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें आप इतना पानी डालें जितने में कि इमली डूब जाए। अब एक घंटे तक इसे इसी तरह से रहने देंगे ताकि इमली सॉफ्ट हो जाए और हमें इसका पल्प निकालने में आसानी हो। एक घंटा सोक करने के बाद इमली बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, तो आप इसे पानी में इस तरह से थोड़ा मिला लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे छाननी। अब इमली को हम इसमें छान लेंगे ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी निकल जाएँ। इमली का पल्प आसानी से नहीं निकलता है, तो इसे स्पून से इस तरह से चला लें और बीच बीच में हम इसमें पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि जितना भी पल्प है वो सारा निकल जाए और छाननी में सिर्फ गुठलियाँ ही बचें। इमली का पल्प तैयार है, तो अब हम चलते हैं कुकिंग की प्रोसेस में। इसके लिए मैंने गैस का फ्लेम स्विच ऑन करके पैन रख लिया है। अब इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच रेड मिर्च पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट तक सभी चीज़ों को पकने दें। जैसे जैसे इमली का पल्प पकता जाएगा ये थिक होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इमली की खट्टी मीठी चटनी को पकने में 2 मिनट ही लगते हैं, तो जैसे ही 2 मिनट हो जाते हैं आप गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर लें। डिलीशियस खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं हरी चटनी बनाने के प्रोसेस में। हरी चटनी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप पुदीना। इसे एक मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप हरा धनिया। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। 1 नींबू को स्क्वीज कर लेंगे। नींबू की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और सभी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको चटनी थोड़ी थिक लगे तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच पानी ऐड कर लें। इसी के साथ ही हमारी तीखी हरी चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप ये डिलीशियस चटपटी चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आती है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।